بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي تمام رب تمام الله رب العزت لليهن कि जो तमाम जहानों का परवरदिगार है और हमने अपने पिछले सेशन में सीखा था कि अल्लाह रबुल्ज़त ने जो जहान पैदा किए हैं जो दुनियाएं पैदा की हैं उनमें से एक जिन्नात और शयातीन की दुनिया है और इस हवाले से शरीयत के मुताले से हमने सीखा कि किस तरह कुर करीम में अल्लाह रब्ज़त ने इस दुनिया का जिक्र किया है और इस दुनिया के बाशिंदों का ज़िक्र किया है हमने तफसील के साथ ये भी सीखा कि जिन्हों का औरिजन क्या है या जिन या शैत शैतान कौन होते हैं और फिर किस तरह से जन्ात की तख्लीक़ इंसानों से पहले हुई और वो इस ज़मीन पर इंसानों से पहले रहते थे ये भी हमने सीखा कि शैतान किसको कहते हैं शैतान जन्नत में से एक ऐसी कैटेगरी है जो सरकश हैं और अल्लाह रबुल्ज़त के नाफरमान हैं तो ये जो शैतान है ये बुनियादी तौर पर जिन ही है और फिर हमने ये भी सीखा कि शैतान या जन्नात जो हैं ये अपनी शक्लो सूरत तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं और अपनी असल शक्लो सूरत के अतबार से ये बहुत ही कबी तरीन सूरत के मालिक होते हैं यानी इनकी शक्लो सूरत में ख़ूबसूरती का पहलू नहीं पाया जाता ये भी हमने सीखा हज़ूर अक्रम सल्हसम की हदीस के मुताबिक के शैतान के दो सींग हैं तो इसका मतलब है कि कुछ जन्नात ऐसे हैं जिनके दो सींग पाए जाते हैं फिर हमने ये भी सीखा कि जन्नात को अरब क्या कहते हैं और उनकी कितनी कैटेगरीज़ हैं तो उनमें से एक कैटेगरी है कि जिनको जिन्नी कहते हैं ये जिन होते हैं दूसरी कैटेगरी को वो आमिर कहते हैं ये वो जिन्नात हैं जो हम इंसानों के साथ रहते हैं तीसरी कैटेगरी वो है जो छोटे मासूम बच्चों के साथ होते हैं और उनके साथ खेलते हैं इन जिन्नात की किस्म को अरवाह कहा जाता है दूसरी आमिर जी दूसरी आमिर है चौथी जिन्नात की कैटेगरी जो है वो शैतान कहलाती है और ये अल्लाह तला के नाफ़रमान है वालेकुम व व वा बरकातहू पांचवी कैटेगरी जन्नात की मतलब छठी कैटेगरी कहलाती है जो कि इंतहाई ताकतवर है तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जन्नात और तमाम शयातीन एक ही ता, एक ही जैसी ताकत के मालिक नहीं है कुछ की ताकत ज्यादा है जबकि कुछ की ताकत कम है ये हमने पिछली दफा सीखा था फिर ये भी हमने सीखा था कि यह भी अक्ल रखते हैं सेंस परसेप्शन इनकी भी होती है और इन्हें भी अल्लाह ताला ने अपने अहकाम का पाबंद बनाया है और इनमें से भी अल्लाह त फरमा बरदार हैं और अगर चेहे कम हैं वो मोमिन कहलाते हैं ज्यादातर अल्लाह ताला के है, नाफरमान हैं कुफार हैं फासिक हैं फाजर हैं और शैतान इसलिए कहलाते हैं तो जो अल्लाह ताला तो के नाफरमान हैं वो शैतान कहलाते हैं फिर हमने ये भी सीखा कि जन्नात का वजूद शरीयत से साबित है हुजूर अकरम अपनी एक हदीस में फरमाते हैं जब तुम मुर्ख का बोलना यानी अजान देना सुनो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसका फजल तलब करो और जब तुम गधे का ही सुनो तो शैतान से पनाह मांगो क्योंकि उस वक्त गधा शैतान को देख रहा होता है फिर हमने ये भी सीखा कि ये भी खाते और पीते हैं और इनकी खुराक के बारे में अहादीस के मुताले से हमें क्या पता चलता है और फिर हमने ये भी सीखा कि ये भी शादियाँ करते हैं और निकाह करते हैं और इनकी नस्ल भी आगे बढ़ती है और इस हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदीस का मताल भी हमने किया कि जब एक इंसान बच्चा इस दुनिया में आता है तो उससे पहले नौ जिन्नात की पैदाइश हो चुकी होती है तो गोया इंसानों और इनके वजूद का एक और नौ की रेशो है यानी एक बच्चे के अगेंस्ट नौ जिन्नात पैदा हो चुके होते हैं तो नाइन टाइम्स इनका ग्रोथ रेट ह्यूमन बींग से ज़्यादा है फिर हमने इनकी उम्र के बारे में सीखा था जो आखिरी पॉइंट हमने कवर किया कि कुरने करीम के मुाले से और हदीस के मुाले से पता चलता है कि इन्हें भी इंसानों की तरह मौत आती है और आएगी और इस हवाले से हमने सीखा कि सबसे तवील तरीन उम्र इबलीस की है क्योंकि उसने अल्लाह रब्ल से यह दरखास्त की थी बनी आदम को सजदा न करने पर जब अल्लाह ने अपनी नाराजगी का इजहार किया तो उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यह दरख्वास्त की कि मुझे क़यामत तक मोहलत दीजिए मैं बनी आदम को बहका के और तेरे रास्ते से हटा के छोड़ूंगा लिहाजा तवील इनकी उम्रें वैसे ही बड़ी तवील होती हैं लेकिन तवील तरीन और मुअम्मर तरीन जो जिन है वो इब्लीस या शैतान है क्योंकि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यह दुआ की थी मांगा था तलब किया था अल्लाह तला ने उसको ये सब कुछ अता किया अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ और वो ये है कि इनके रहने की जगह उठने बैठने की जगह कौन सी हैं इस हवाले से लमाय किराम का ये कहना है कि ये इसी जमीन में रहते हैं जिस कुर्रा अर्ज पे हम इंसान बसते हैं हाँ इनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है और अगर इस तादाद को जहन में रखा जाए तो इसका मतलब है कि हमें फिर अपनी हिफाजत के लिए सुबह शाम के असकार की बहुत ज्यादा पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा लश्कर है जो हमें नज़र तो नहीं आता लेकिन यह बनी आदम का दुश्मन है हर लम्हे उनकी दुश्मनी की कोशिश होती है लिहाजा अपने आप को इतने बड़े लश्कर से बचाने के लिए जरूरी है कि हम सुबह शाम के असकार का अहतमाम किया करें इस जमीन पर इनका पाया जाना इनके ईमान और इनके कुफर के मुताबिक होता है यानि ये कहाँ पाए जाते हैं तो इनका पाया जाना इनके ईमान और कुफ़र के मुताबिक होता है लिहाजा जो मोमिन जिन होता है वो अच्छी और पाकिजा जगहें तलाश करता है जिन जगहों को अच्छे और पाकिजा इंसान भी तलाश करते हैं और मोमिन इंसान भी तलाश करते हैं जबकि जो अल्लाह तला के नाफरमान कुफ़ार और शयातीन और फासिक और फाजिर जिन्नात होते हैं ये बाज़ारों में फैल जाते हैं बाज़ारों में इनकी रिहाइश होती है और कब्रस्तानों में रहते हैं घर के अंदर बैतुलखला में रहते हैं अंधेरे वाली जगहों पर रहते हैं अजान की आवाज़ से भागते हैं अजान की आवाज़ इनके कान में ना पड़े और फिर रमज़ान के महीने में इन्हें बेड़ियाँ डाल दी जाती हैं क़ैद कर दिया जाता है पाबंदे सलासल कर दिया जाता है जिस जगह बकरा की तिलावत हो रही हो यह नाफरमान जन्नात और शयातीन वहां से भाग जाते हैं और अगर किसी घर में खाना खाते हुए अल्लाह का नाम लेकर खाना खाया जाए तो उस घर को भी छोड़कर भाग जाते हैं और ये आधे साय में और आधे धूप में बैठने को पसंद करते हैं तो जो पाकिजा जिन्नात होते हैं वो साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं जैसा कि मैंने आपसे बताया कि तजर्बे से बाज लोगों को ये पता चला या जिन्नात अपनी बातें शेयर भी कर जाते हैं कि ये घरों की छतों पर रहते हैं अमूमन ये वो जगह होती हैं जहाँ कोई नहीं जाता वीरान होती हैं ये वहां सुकून से रहते हैं लेकिन वहाँ से उतरते हैं घरों में भी आते जाते हैं ताहम मोमिन जिन्नात होने की वजह से ये मसाजिद में भी जाते हैं उन जगहों पे भी शामिल होते हैं जहाँ अल्लाह के दीन का इल्म सीखा या सिखाया जा रहा हो ताहम ये किसी को तंग नहीं करते परेशान नहीं करते ना ही अपनी प्रेजेंस को कभी शो करते हैं उसके मुकाबले में जो कुफ़ार और शयातीन और अल्लाह तला के नाफ़रमान और फासिक और फाजिर जिन हैं तो वो बाज़ारों में रिहाइश अख्तियार करते हैं क्योंकि बाजार ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह का जिक्र न होने के मुतरिफ है और बाजारों में अल्लाह तला की नाफरमानियाँ बहुत होती हैं तो उन्हें बाजार बहुत पसंद है और अल्लाह तला को वो बाजार सख्त नापसंद है और इसके बाद वो कब्रस्तानों में बैठते हैं कब्रों के ऊपर रहते हैं कब्रस्तानों में रहते हैं अंधेरी जगहों पर बैतुलखला वीरान जगहों पर ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं और घरों के अंदर जो है वो बैतुलखलाओं में पाए जाते हैं यही वजह है कि हमारी शरीयत हमें सिखाती है कि हम बैतुलखला में जाते हुए और वहां से निकलते हुए दुआ करें और अल्लाह इज़्ज़त का को याद करें अल्लाह इज़्ज़त ने जिन्नात को कुछ ऐसी ताकतें अता की हैं जो इंसानों को नहीं अदा की तो आइए जरा देखते हैं कि इनके इनकी क्या ताकत है नंबर एक ये बहुत तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने और हरकत यानी मूवमेंट पे अल्लाह ने इनको कुदरत दी है एक इंसान इतनी जल्दी और इतनी तेजी से मूव नहीं कर सकता जितनी तेजी के साथ जिन्नात कर जाते हैं और फिर इन्हें अल्लाह ने पेनिट्रेट करने की भी खास सलाहियत दी है मिसाल के तौर पर अगर ये दरवाजा घर का बंद है और इसको बंद करते हुए बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कह के नहीं बंद किया गया तो शैतान इस डोर से पेनिट्रेट करके जिन घर में दाखिल हो जाएगा यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में सिखाया है कि जब तुम अपने घरों के दरवाजे रात को बंद करो तो पढ़ लिया करो बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह ही अल्लाहु अकबर कह के जो दरवाजा बंद किया जाएगा वहां से तकलीफ देने वाले अजियत देने वाले जिन्नात या शयातीन उस घर में दाखिल नहीं होते तो ये जो बंद दरवाज़ा है जिसमें से एक ह्यूमन बींग नहीं गुजर सकता वो इसमें से पेनीट्रेट करके नफूज करके निकल सकते हैं और घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं इसी तरह से ये ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं वहाँ से निकल भी जाते हैं बॉडी को छोड़ भी देते हैं और बॉडी में दाखिल भी हो जाते हैं और जहाँ तक इनका एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की बात है तो इसकी दलील हमें मिलती है कि हजरत सलेमानसम के पास एक ताकतवर तरीन जिन था जिसका नाम एफरीत कहा गया और यह इंतहाई यानी आखिरी सतह के जो ताकतवर तरीन जन्नात होते हैं वो एफरीत कहलाते हैं और उसकी ताकत का अंदाजा इससे लगाइए कि उसने कहा कि आपके पलक झपकने से पहले मैं मलिका सभा का तख्त यहाँ पर ले आऊँगा। आज हमने जो जहाज़ इन्वेंट किए हैं और दूर दराज के हम सफर करते हैं वह घंटों पर मुश्तमिल है तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक जिन की ताकत क्या है कि वो पलक झपकने से पहले मुल्के शाम से या उससे यमन से वो कह रहा है कि मैं आपको फलस्तीन में तख्त ला दूंगा तो किस कदर तेजी के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं और कितनी तेजी के साथ ये नफूज पजीर होते हैं पेनीट्रेट करते हैं जैसा कि मैंने आपसे भी शेयर किया कि अगर इस दरवाजे को रात को बंद करते हुए बिसमिल्ल अकबर कह के नहीं बंद किया गया तो इसमें से जिन या शैतान या जिन्नात घर में दाखिल होने की ताकत रखते हैं ये समझना कि अब ये दरवाजा लॉक है घर महफूज है ये हमारी बहुत बड़ी गलती है तो रात को सोते वक्त जब आखिरी दफा घर के दरवाजे बंद किए जाएं बिस्मिल्लाही अल्लाहु कह के बंद जाएं अकबर बंद किए ऐसे दरवाजे से शैतान फिर दाखिल नहीं हो सकता जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते और ना ही अजियत घर वालों को ना ही वो तकलीफ दे सकते हैं ना पहुंचा सकते हैं दूसरी ताकत जो अल्लाह तला ने जिन्नात को अता की है ये तेजी के साथ आसमान में चढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ ये आसमान में चढ़ते हैं जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह तला ने बयान किया है कि कुछ जिन्नात ने आलम गैब की खबरें सुनने के लिए वहां पर अपने ठिकाने पकड़े तो अल्लाह रबुल्जत ने शहाब साकिब का एक सिस्टम बनाया जो कि इनको भगा देता है दूर कर देता है तो ये इतनी तेजी के साथ आज तक इंसान ने कोई मशीनरी ईजाद नहीं की जो कि जमीन से आसमान में चढ़ जाए ये बहुत तेजी के साथ चढ़ते हैं और आगे जाते हैं तीसरी ताकत जो अल्लाह तला ने जन्नात को अता की है वो ये है कि इन्हें मुख्तलिफ फ़न आते हैं इन्हें मुख्तलिफ फन आते हैं इन्हें भी सीना काटना परोना आता है इमारतों की तमीर करना आता है जैसा कि हजरत सुलेमान सलाम ने और हजरत दाऊद सलाम ने जन्नात को इमारतों की तमीर और इबादत गाहों की तमीर पर लगा रखा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से ये काम लिया था कि हमारी इबादत गाहों की तामीर की जाए और वो दूर दराज से पत्थर और इमारती मटीरियल उठा कर लाते और फिर वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर उसकी सुलेमानी की तामीर किया करते थे और वो बहुत बुलंद वाला इमारतें हैं अगर आज भी आप उनकी देखें पिक्चर्स तो आपको महसूस होगा कि वाकई किसी बड़ी ताकतवर किस्म की जो है वो मखलूक ने इनको तैयार किया है तो ये मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़न इन्हें भी आते हैं ये हमें कुरान करीम और सही अदीस के मुताले से पता चलता है चौथी ताकत और जिन्ना को अता की है मिसाल के तौर पर शैतान आदमी की शक्ल में भी आ सकता है आपके किसी रिश्तेदार की शक्ल में भी आपके पास आके बैठ सकता है हजूर अक्रम सलम के दौर में भी ऐसे कई वाकत पेश आए कि जिसमें वो किसी खास इंसान की शक्ल इख्तियार करके सब को आके धोखे में मुबतला करते और फिर ये वानात की शक्लो सूरत में भी आ सकते हैं बिलखसूस काले रंग का कुत्ता और काले रंग की बिल्लियाँ जिन्नात और शयातीन ही होते हैं अच्छा। उलमाए कराम ये कहते हैं कि इन दो तरह के जानवरों को अपने घर में ना रखिए एक काले रंग का कुत्ता ना रखें और एक काले रंग की बिल्ली ना रखें इस पर मजीद डिटेल में इनशाला अगले सेशन में बात होगी पांचवी जो कुव्वत अल्लाह तला ने ना कर रखी है वो ये कि ये बनी आदम के जिस्म में दाखिल होकर उसकी खून के साथ उसकी रगों में दौड़ते हैं ये बनी आदम के में दाखिल होने की सलाहियत इनके पास है और ये खून के साथ बनी आदम के जिसम में दौड़ते हैं यानी जितनी तेज़ी के साथ हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है उतनी तेज़ी के साथ ब्लड के साथ साथ ये हमारी बॉडी में भी उसी तरह से सर्कुलेट कर सकते हैं इसका पर्पस क्या है इसका पर्पस उस इंसान को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना, अजियत में मुब्तला करना अल्लाह तला की फरमा बरदारी से रोकना है जिसके अंदर ये दाखिल हो जाते हैं और यकीन पहले ये बाहर बैठ कर कोशिश करते हैं जन्नात और शयातीन और फिर जब वो बाहर से नाकाम होते हैं तो फिर वो अंदर दाखिल होके और ख़ास तौर पर जो जन्नात को डील करने वाले लोग हैं और जो स्टडीज़ रिसर्च मैंने पढ़ी है ये इंसान के ब्रेन को और दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं उसे फिर हर वो बात बुरी लगती है जो अल्लाह को पसंद है मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्ल को ये पसंद है कि मुसलमान नमाज पढ़े तो ये उसको रोकते हैं और उसे दिखाते हैं कि जैसे नमाज पढ़ना कोई ऐसी इसकी बजाय तुम योगा की एक्सरसाइज किया करो योगा की तरफ लगा देते हैं बजाय इसके कि वही टाइम अल्लाह तला की इबादत पर सर्व किया जाए तो ये जन्नात और शयातीन को एक खास ताकत है जो अल्लाह तला ने अता की है कि यह बनी आदम के अंदर दाखिल होके उसके जिसम में खून की तरह गर्दिश करते हैं अब कुरान और सन्नत के मुाले से हजूर अक्रम सलीसम की हदीस के मुाले से ये भी पता चलता है कि जन््त के भी जानवर हैं और इनकी सवारियाँ भी हैं ये भी सवारीयों का इस्तेमाल करते हैं और इनके भी जानवर हैं अगरचे इस पर कोई बहुत वाज सही तरीन हदीस तो मौजूद नहीं है लेकिन बाज़ हवानात के बारे में पता चलता है कि शयातिन के वो साथ होते हैं मिसा शयाती उनके साथ होते हैं उन जानवरों के बारे में मिसाल के तौर पर ऊँट और काले कुत्ते और काली बिलियाँ वग़ैरह अगर ये ख़ुद जिन्नात और शयातीन ना हो तो इनके साथ जिन्नात और शयातीन ज़रूर होते हैं तो इसलिए सवारी पर चढ़ते हुए सवारी की दुआ पढ़ ली जाए सवार होने की और उतरते वक्त भी दुआ पढ़ ली जाए ये दुआएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमारा मुसलसल ताल्लुक़ हमारे शैतान को जिन को कमज़ोर करता है और उसके मुकाबले में मुसलमान को ताकत मिलती है क़वत मिलती है अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके कमज़ोर पॉइंट्स क्या हैं जाहिर है कि हर चीज के कुछ स्ट्रॉग पॉइंट्स हैं और कुछ वीक पॉइंट्स हैं नंबर एक ऊलमा के नाम का ये कहना है कि इनकी बहुत सारी कमजोरियाँ भी हैं और इनकी कमजोरियों में से एक ये है कि अल्लाह रब्बुल रबुल्जत का जिक्र इन्हें कमजोर करता है भगा देता है और इनसे बर्दाश्त नहीं होता और इसके लिए सूरत की आयत नंबर सेवनटी सिक्स देखिए इन नकई दैतान नकई दैतान इकान अदाईफन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र करने से शैतान की स्ट्रेटजीज़ कमजोर पड़ने लगती हैं तो जितना ज्यादा हम अपने आप को अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ रखेंगे और जिक्र के लिए मैंने आपसे शेयर किया था सबसे पहले नंबर पर आती हैं फर्ज नमाजें उसके बाद आपके नवाफिल कुरान करीम की तिलावत घर में कुरान करीम को सुनना कभी पढ़ें कभी सुने कभी पढ़ें कभी सुने और फिर मुख्तलफ मौक़ों की दुआएं मिसाल के तौर पर आपने सुबह शाम के अस्कार किए हैं आपने मिरर के सामने खड़े होके तो मिरर देखने की दुआ की है नया लिबास पहनते हुए आपने दुआ की है आपने घर के दरवाजे बंद करते हुए बिस्मिल्लाह ही अकबर पढ़ा है खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाबर कहा है तो ये वो जिक्र है कि जिससे शैतान मुतनफर हो जाता है भाग जाता है उस घर को छोड़ देता है और जिक्र इन्हें कमजोर करता है दूसरे नंबर पर यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों पर काबू नहीं पा सकते अल्लाह तला के नेक बंदों को काबू नहीं कर सकते सवाल ये पैदा होता है कि कैसे काबू नहीं कर सकते इस हवाले से इबन अभी दुनिया यानी उनको गुमराही के रास्ते पर नहीं ला पाते और अगर ले भी आए, तो क्या होता है कि वो अल्लाह के बंदे फौरन अपनी गलती को तस्लीम करके अल्लाह के सामने तोबरार करते हैं और अल्लाह तला को राज़ी कर लेते हैं और शैतान परेशान हो जाता है और नाकाम हो जाता है इस हवाले से मैं आपसे यहाँ पर एक वाक़ा शेयर करूँगी जिसका जिक्र इबन अभी दुनिया र्ल ने अपनी किताब में किया है और इमाम अहमद अब हम्बल रद में किया है और बहुत गौर से हमने ये वाक़ा सुनना है और इससे हमें शैतान की स्ट्रेटजीज और उसकी साइकी समझ में आती है और क्यों मैंने ये कहा या कराम क्यों ये बात कहते हैं कि शैतान अल्लाह के नेक बंदों पर काबू नहीं पा सकता वक़ती तौर पर तो अल्लाह तला के नेक बंदे भी गलतियाँ कर बैठते हैं यहाँ पर एक वाक़ है अब्दुल्ला इब्ने अबैद कहते हैं कि हमें यह रिवायत सही पहुंची है कि एक दफ़ा यह नापाक शैतान इबलीस या इबन ज़करिया जो सलाम थे उन पर जाहिर हुआ और कहा इन्नी उरीद अन का मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ जकरिया जकरियालाम फरमाते हैं तुम झूठे हो क्योंकि उन्होंने पहचान लिया ये शैतान है तुम तो मेरे खैर नहीं हो तो तुम मुझे नसीहत कैसे करोगे तुम मुझे ये बताओ कि तुम बनी आदम के बारे में क्या जानते हो उसने कहा कि बनी आदम यानी इंसानों की हमारे यहाँ तीन किस्में हैं पहली किस्म यह हमारे ऊपर बड़ी भारी और गिरा गुजरती है ये इंसानों की वो किस्म है कि जिन पर हम कोशिशें करते रहते हैं करते रहते हैं हत नफ्ते ना हो यहाँ तक कि हम उन्हें फितने में मुबतला करके अल्लाह की नाफरमानी करा लेते हैं पहले तो कोशिश बड़ी करनी पड़ती है बड़े देर इनके पीछे लगे रहना पड़ता है और फिर हम इनसे नाफरमानी का काम करा ही लेते हैं लेकिन होता क्या सुमा या तफर रख अल्लाह की नाफरमानी करके ये बेदार जहन दिल और दिमाग के इंसान होते हैं फौरन इन्हें ख्याल आता है तो वो अपने आप को इस तखवार और तोबा पर लगा देते हैं अल्लाह ते गलती हो गई थी और युफ सिद्लाइना कुलशन हमारी सारी एफर्ट खराब होकर रह जाती है तो ये है इस बात का मतलब कि अल्लाह के नेक बंदों पर मुस्तकिल तौर पर यह काबू नहीं पाते वक्ती तौर पर काबू पा के उनसे कोई गलती का काम करा भी लें तो अल्लाह तला के ये नेक बंदे फ़ौर अपनी ग़लती का एतराफ़ करते हैं अल्लाह रब्ज़त के सामने ग़लती का एतराफ़ करना भी अमले साले है कि अल्लाह ताला मुझसे वाकई गलती हो गई थी मुझे माफ कर दीजिए और बार बार उस गलती पर अपनी जिंदगी में तोबा करते रहते हैं अपनी तोबा की तजदीद या रीन्यू उसको करते रहते हैं तो कहते हैं कि फिर हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है और फिर हम इनसे बिल्कुल मायूस हो रह जाते हैं और ये हमें बहुत थकाते हैं यानि सोचिए कि एक जिन एक शैतान ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि एक तो बहुत वक्त लगा के हम इन पर काम करते हैं यहाँ तक कि जब हम इन्हें फितने में मुब्तला करके अल्लाह तला की नाफरमानी करा लेते हैं तो ये बेदार दिल और दिमाग और जहन के मुसलमान या इंसान अल्लाह के नेक बंदे फ़ौर अपनी गलती का ख्याल आते ही अल्लाह के सामने इस्तफार और तौबा करने लगते हैं फयुफ़ सिद् नाकईिन हमारी सारी मेहनत बेकार कर देते हैं अदरक नामिन हूँ वक्ती तौर पर हम इनसे कामयाब होते हैं सुमनाऊदलहू फिर हम दोबारा वापस इनके पास जाते हैं फय याऊजू तो हम देखते हैं कि अल्लाह की पनाह मांग रहे होते हैं कि दोबारा ये गलती ना हो जाए फला नई असुमिन हूँ ना तो हम इनसे मायूस होते हैं वलाना निन हाजतना ना ही हम अपनी हाजत उनसे पूरी कर पाते हैं थकाए रखते हैं हमें थकाए रखते हैं मुशक्कत में लगाए रखते हैं। ये हमें बड़ा थकाते हैं। कि हम इनके साथ बड़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है आखर, को बता रहे हैं। बनी आदम की दूसरी किस्म है तिलकुर वो हमारे हाथ में ऐसे खेलते हैं जैसे तुम्हारे बच्चों के हाथ में बॉल हो बॉल को जिधर चाह घुमाते रहे और बॉल उसी तरह से घूमता रहता है आगे से और फिर हम जिस तरह चाहे इन पर अपने वार करते हैं और फिर ये अल्लाह इज़्ज़त की नाफरमानी के रास्ते पर चल के हमें बड़ा खुश करते हैं तीसरी कस्म बनी आदम या तुम इंसानों की वो है जो बिल्कुल मासूम हैं हम उन्हें अल्लाह की नाफरमानी के रास्ते पर नहीं लगा सकते जैसे मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे होते हैं और वो अल्लाह तला की नाफरमानी के रास्ते पर नहीं आते तो ये जो मैं आपसे बात कर रही थी किलमा के राम का ये कहना है कि जन्नत और शयातीन के जो वीकनेस के पॉइंट हैं उनमें से सबसे पहला ये है कि अल्लाह का जिक्र इन्हें कमज़ोर करता है नंबर दो ये कि अल्लाह के नेक बंदों पर यह काबू नहीं पा सकते जितनी मर्जी कोशिश कर लें बहुत कम इनकी उम्मीद उनसे पूरी होती है नंबर तीन ये है कि ये अल्लाह रब्ज़त के बाद नेक बंदों से तो बहुत ही खौफ रखते हैं जैसे कि हज़रत उमर रज़ील तुम से जन् और शयातीन बहुत खौफ रखते थे और आप इस हवाले से जो है वो तो एक स्टेज पे मुसलमान अल्लाह का नेक बंदा ऐसी जगह पे चला जाता है कि जहाँ उससे जिन्नात और शयातीन डरने लगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह तला के उन नेक और गुजार बंदों में शामिल हो सकें चौथे नंबर पर जो इनकी वीकनेस है वो ये कि ये कोई मेरेकल नहीं परफॉर्म कर सकते कोई मुआजा नहीं दिखा सकते जैसा कि अम्बिया कराम मौजात लेकर आए थे खासियत सिर्फ अम्बिया है पांचवे नंबर पर यह है कि ये हजूर अक्रम अलैहि वसम की शक्ल में ख्वाब में नहीं आ सकते शैतान को यह ताकत नहीं दी गई ना जिन को यह ताकत दी गई है कि यह वसवसे के तौर पर ख्वाब में आए और आके तो किसी को वसवसे में डाले और गलत बात समझाए और ये जत लाए कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो इसलिए कभी भी अगर कोई शख्स ख़्वाब में ये देखे कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो फिर जाहिर है कि उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा है क्योंकि शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल शक्लो सूरत इख्तियार नहीं कर सकता हाँ ये बहस है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है तो उसके लिए आपने जो ख्वाब देखा है और जो शख्सियत देखी है उसको सीरत से आप मैच कर लीजिए सीरत में जो आपके ख़द ख़ाल तौर तो तरीके सुन्नत तरीके बताए गए हैं अगर ये उसके मुताबिक है तो फिर तो ठीक है हाँ ये हो सकता है कि शैतान किसी और की शक्ल में आके कहे कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसलम लेकिन हुजूर अकरम अक्रम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर वो किसी ए बी सी की शक्ल में आके आपको ये कह सकता है ख्वाब में वसवसे के तौर पर कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ लेकिन एग्जेक्टली आपकी शक्ल व सूरत इख्तियार नहीं कर सकता अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मैंने जो कुछ ख्वाब में देखा वो सही है कि नहीं आपने जिस शख्स को ख्वाब में देखा है सीरत में आप सल्हसम के जो खदो ख़ाल हलिया मुबारक और जो आपके तौर तरीके बताए गए हैं उससे मैच करके देख लीजिए तो ये इसकी जो है वो शक्ल है छठे नंबर पर जिन आसमानों और ज़मीन में एक ख़ास लिमिट से आगे नहीं जा सकते ये ना समझा जाए कि ये इस आसमान और इस कायन से निकल कर चूँकि इन्हें नफूस पजीर होने की ताकत अदा की गई है बहुत तेज़ी के साथ आसमान के अंदर चढ़ते हैं वहाँ पर इनकी हदूद मुक़रर हैं उन ख़ास हदूद से ये आगे नहीं जा सकते चाहे कुछ भी हो जाए अल्लाह रबुल्जत ने यह हदूद मुकर कर रखी हैं उल्मा किराम का यह कहना है कि कुरान करीम के मुाले से हमें यह भी पता चलता है कि ज़िन्नात में भी पैगम्बर आए हैं इनके अपने पैगम्बर भी आए हैं और हज़ूर अक्रम सल वसम को भी इनकी तरफ मबूस किया गया था जैसा कि सूरत अनाम की देखिए आयत नंबर वन थर्टी जिसमें अल्लाह रबुल्जत फरमाते हैं यामाशर जन्नी वीमयाती जिन्हों और इंसानों के ग्रोह क्या तुम्हारे पास अल्लाह तला की तरफ से पैगम्बर नहीं आए तो अल्लाह तला ने यहाँ पर जिनों को भी मुखातब करते हुए यह बात कही है और इंसानों को भी मुखातब करते हुए कही है तो इसका मतलब है जन्नात के यहाँ भी जो है वो अः अम्बिया और पैगम्बर अल्लाह की तरफ से आए हैं और फिर इस हवाले से सूरत की आयत नंबर तीस भी देखिए जिसमें जिसमे खुद कहते हैं इन्ना समय ना किताबन उन मूसा हमने एक ऐसी किताब देखी है जो हज़रत मूसा सलाम के बाद नाजिल हुई है और फिर किराम का ये कहना है कि सूरत जिन के मताले से भी ये पता चलता है और मुख्तलि रिवायात से पता चलता है कि इनके यहाँ आठ सौ के करीब जिन जिन पैगम्बरों का तस्करा मिलता है इसी तरह से क़ुरान करीम के मताले से ये भी पता चलता है कि जिन्नात में से जो मोमिन हैं वो दावत और तबलीग़ का काम भी सर अंजाम दे रहे हैं अपनी कौम की खैर के लिए बिल्कुल जिस तरह से इंसानों में ऐसे इंसान पाए जाते हैं अगरचे कम तादाद में हैं जो अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं और अपने साथियों को अल्लाह फरमा बरदारी की दावत देते हैं इसी तरह से जन्त में भी ऐसे हैं जो के अपने साथियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी की दावत देते हैं इस हवाले से देखिए सूरतुल अलकाफ़ ही में अल्लाह इज़्ज़त ने इनका तस्कर किया है या कौमना ए हमारी ये जिन्नात अपनी कौम को कह रहे हैं दावत और तबलीग करने वाले अजीब ये जो अल्लाह तला की तरफ से तुम्हें बंदा पुकार रहा है इसकी पुकार पर लब वह अनु बिही और इस पर ईमान ले आओ फिर लकुम मिन खताया कुम ये तुम्हारी गलतियों को माफ करेगा और आपको अल्लाह रबुलजत के दर्दनाक अजाब से बचा लेगा तो इनके यहाँ भी दावत और तबलीग करने वाले और अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी की दावत देने वाले तबलीग करने वाले जिन्नात मौजूद हैं इसी तरह से क़ुरान करीम के मुताले से ये पता चलता है कि जिन्नात में मोमिन भी हैं और अक्सरियत अल्लाह तला की नाफ़रमान हैं फुजार भी हैं कुार भी हैं और फासिक भी हैं और इसका सूरतुल जिन की आयत नंबर ग्यारह में जिन्नात ने खुद किया है वह अन्ना नन्ना साल और हम जन्नात में से नेक जन्नात भी पाए जाते हैं कराद अदा और इन नेक जन्नात के अलावा और भी बहुत सारे नाफरमानिया करने वाले मुताद किस्मों के जिन्नात पाए जाते हैं और फिर इसका सूरतुल जिन की आयत नंबर चौदह और पंद्रह में जन्नात ने खुद किया है व अनना मिनलमसलिमूना और ये कि हम में से कुछ जिन्नात मुसलमान भी हैं वह मिन्नल अल्खास्तून और हम में से कुछ अल्लाह के नाफरमान भी हैं फमन असलम का तहर शदा अब जो जिन्नात मुसलमान हो गए हैं वो कामयाबी की राह पर चल पड़े हैं वह अमल ना और जो अल्लाह त नाफ़रमान फ़ास और कुफ़्फ़्फ़्फ़्ार हैं फ़क़ानली जहन्ना महतबा तो वह जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि इंसानों की दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी फरमा बरदारी और अपनी नाफरमानी के हवाले से ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा है सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की जिंदगी में शैतान का ऑब्जेक्टिव क्या है तो का ये कहना है हर वो इबादत जो अल्लाह रबुल्जत को इंतहाई महबूब है शैतान को इंतहाई नापसंद है और अल्लाह रबुल्जत को जो महबूब तरीन इबादात हैं उनमें सर फहरिस्त फर्ज़ नमाज है मुसलमानों को फर्ज नमाज से सबसे पहले रोकता है क्योंकि तमाम इबादतों में हम जो जकवात अदा करते हैं सदक़ात देते हैं हम जो भी नेकी के काम करते हैं अगर उनकी एक लिस्ट बनाई जाए तो अफजल तरीन इबादत नमाज है और फर्ज नमाज अफजल तरीन है उसके बाद नवाफिल आते हैं उसके बाद कुरान करीम की तिलावत आती है फिर असकार आते हैं फिर दीगर इबादतें आती हैं तो ये फ़र्ज़ नमाज से आप देखिए कि कितना मुश्किल है फ़र्ज़ नमाज की आदत ख़ुद को भी डालना और अपने घर वालों को अपने बच्चों को भी इस पर लाना तोहबा अल्लाह तला को बहुत पसंद है शैतान को बहुत उससे नफरत है इसी तरह से सदका अल्लाह रबुल्ज़त को जो इबादत जितनी ज़्यादा महबूब है उतनी ज़्यादा वो शैतान के लिए नापसंदीदा है और उसकी पूरी कोशिश होती है कि इंसान को अल्लाह तला की महबूब तरीन और अफजल तरीन इबादतों से रोक कर कम फजीलत वाली इबादतों पर मशगूल किया जाए उसमें मसरूफ़ किया जाए आखरत में इसका क्या टारगेट और ऑब्जेक्टिव होगा आखरत में इसका टारगेट ये है कि अल्लाह रबुलज़त की ज्यादा से ज्यादा मखलूक़ यानी बनी आदम को लेकर जहन्नुम में जाए और उन्हें जन्नत से महरूम कर दे और इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल के तौर पर कई आयतों में किया एक आयत यहाँ देखिए सूरह फातिर की आयत नंबर सिक्स इन नायत हिजबहू शैतान अपने फॉलोअर्स को पुकारता है बुलाता है मिन सईर ताकि उसके साथ जहन्नुम का ईंधन बने तो अल्लाह तला की नाफरमानी के रास्ते से इस तरह से बनी आदम को रोकता है शैतान के लश्कर हैं और ये लश्कर जन्नात में भी हैं पूरी आर्मी है इसकी उसमें वर्कर्स हैं उनके डिफरेंट लेवल्स हैं सरकशी के तबार से और अल्लाह ताला की नाफरमानी के तबार से और इंसानों और बनी आदम को अजियत पहुंचाने के अतबार से और इसके लश्कर इंसानों में भी हैं हर वो इंसान जो अल्लाह नाफरमा फरमा बरदारी से दूसरों को रोकता है वो जिन्नात के लश्कर हैं इंसानों में से तो। वन्नास।, वन्नास बिल्कुल और इस हवाले से देखिए सूर्य इब्राहिम के आयत नंबर ट्वेंटी में अल्लाह रबुल्ज़त ने इसका जिक्र किया है और सूरत मुजादिला की आयत नंबर उन्नीस में अल्लाह ने इसका जिक्र किया है इस तो फिर शैतान उन पर काबू पा गया जिक्र पहला काम क्या किया कि अल्लाह के जिक्र से हटा दिया जाए अल्लाह का जिक्र ना करें और जिक्र में फर्ज नमाज सर फहरिस्त आती है उला इकाज बैतानी ये वो लोग हैं बनी आदम हैं जो कि शैतान के, के ग्रोह हैंतान यही है खसारा पाने वाले इंसान के साथ उसकी जब पैदाइश होती है तो एक साथी जिन की भी पैदाइश होती है शैतान की पैदाइश होती है और इसका जिक्र हजूर अक्रम सल वालसम ने अम्मा आयशा ताला तहा से फरमाया तो अम्मा आयशा ने पूछा क्या आपके साथ भी आपका शैतान यानी जिन पैदा हुआ था आप सल्लासम ने फरमाया हाँ मेरे साथ भी मेरा साथी जिन या शैतान पैदा हुआ था लेकिन मैंने उसको डोमिनेट कर लिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको डोमिनेट कर लिया जबकि हमारा मुसलमान कर लिया बिल्कुल जबकि हमारे साथ जो जिन्नात और शयातीन हैं वो हमें डोमिनेट करते हैं कैसे डोमिनेट कर सकता है एक मुसलमान अपने जिन को इसकी वजाहत हमें एक और हदीस से मिलती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और इस हदीस का जिक्र इमाम हंबल ने अपनी किताब किताब जोहद में किया है कि एक काफिर का जिन जो कि खासा मोटा ताज़ा और तगड़ा था एक मुसलमान के जिन या शैतान से मिलता है मोमिन के जिन और शैतान से जो कि बहुत कमजोर है अब वो जो काफिर का शैतान या जिन है वो मोमिन के जिन को देख के कहता है कि भाई क्या हो गया यार तुम तो बड़े कमजोर हो गए हो वो आगे से जवाब देता है जो मोमिन का साथी जिन या शैतान है वो कहता है क्या बताऊं ये जो मेरा साथी है जब ये बिस्तर पर जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है मैं तो सो भी नहीं पाता जब ये खाता है तो अल्लाह का नाम लेता है मुझे मेरी खुराक से महरूम कर देता है जब ये घर में दाखिल होता है तो अल्लाह का नाम लेता है इसने मुझे कमज़ोर करके रख दिया है तो इस पर जो काफिर इंसान का साथी जिन और शैतान जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मोटा ताज़ा और तगड़ा है वो कहता है मेरे तो बड़े मजे हैं क्योंकि जो मेरा साथी है वो खाता है तो बगैर अल्लाह के नाम लिए मैं तो उसके साथ खाता और और उससे ज़्यादा खा जाता हूं। और आप कभी नोट कीजिएगा हम में से बास लोगों को अपने घर में ये शिकायत होती है कि हमारा खाना कम पड़ जाता है साहबा के राम रिजवान मजमाइन ने इस बात को महसूस किया और आपने वो हदीस भी सुनी होगी जब एक सहाबी के रात के वह गले में से गला निकल जाता था शैतान ले जाता था उन्होंने जिन या शैतान को पकड़ा तो उसने सिखाया कि अगर आप रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो आपका गला और आपकी चीजें महफूज हो जाएंगी तो हजूर ने फरमाया दो काम कर लो एक तो खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लो दूसरा इकट्ठे बैठ के खाओ दो का खाना चार के लिए और चार का आठ के लिए पूरा हो जाएगा तो ये यानी वो टिप्स हैं कि जिससे पता चलता है कि किस तरह हर इंसान के साथ एक करीन यानि साथी जिन और शैतान उसकी आजमाइश के लिए मौजूद है अब जो अल्लाह इज़्ज़त का फरमा बरदार है जो जिक्र का अहतमाम करता है उसका शैतान कमज़ोर पड़ जाता है या जिन कमज़ोर पड़ जाता है और जो अल्लाह तला की नाफरमानी के रास्ते पर चलता है उसका जिन या शैतान ताकतवर होता चला जाता है तो ये इस तरह से करीन के बारे में हमें पता चलता है एक और हदीस है जिसमें हजूर अक्रम सलील वसम इस करीन की मज़ीद तशरीह बयान करते हैं और यह सही मुस्लिम की हदीस है अब्दुल्ला इब्ने मसूद ताला रज़ील्ला कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसम का इरशाद है तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिसके साथ रब्ल्ज़त ने दो साथी ना लगा रखे हों एक जिन साथी और एक फ़रिश्ती कहते हैं कि हम सहाबाक ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्रम किया और आपके साथ भी आपने फरमाया और मेरे साथ भी मगर यह कि अल्लाह ने मेरी मदद की और मेरा जिन मुसलमान हो गया और अब वो मुझे सिर्फ खैर की राह ही बताता है अच्छा एक और हदीस से इसकी मजीद तशरीह होती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इंसान के साथ एक जिन या एक शैतान और एक फरिश्ता होता है और बनी आदम जब किसी काम के लिए सोचता है मिसाल के तौर पर मैंने यह सोचा कि मैंने नमाज पढ़नी है तो उसे एक सिग्नल शैतान की तरफ से आता है अभी काफ़ी टाइम है पढ़ लेना जमा कर लेना कल पढ़ लेना और एक सिग्नल उसे उसके फरिश्ते की तरफ से आता है नहीं अफजल तरीन वक्त अव्वल वक्त है पढ़ लो अब वो दोनों सिग्नल उसे मौसू हो जाते हैं अब बनी आदम की अपनी मर्जी है कि वो दोनों सिग्नल्स में से किस सिग्नल को इख्तियार करें और ये सिग्नल्स किस चीज़ के हैं ये मैसेज होते हैं तो इससे हमेशा अंदाजा लगाइए और मेरा ख्याल है कि ये बात आपके भी सबके तजर्बे में शामिल है कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें ब्रेन वेव्स आती हैं आपने ब्रेन वेव्स कह सकते हैं एक ब्रेन वेव आती है कम सदका करो अल्लाह की राह में तुम्हें भी तो पैसे चाहिए अभी बच्चों की शादियाँ भी करनी है घर भी बनाने हैं और एक ब्रेन वेव आती है नहीं अल्लाह की राह में सदका करने से माल में बरकत होती है फ़िक्र की बात नहीं है तो ये जो हमें डिफ़रेंट और ऑपोजिट ब्रेन वेव्स आती हैं इसको पहचान जाइए ये किसकी तरफ से आती हैं जो अल्लाह ताली की नाफ़रमानी की हैं वो शैतान जन्नात की तरफ से आती हैं जो, है, है, जो हमारे साथ हैं और जो अल्लाह त फरमा बरदारी की, की हैं वो उस फरिश्ते की जानब से आती हैं जो हमारे साथ है तो हज़ू अक्रम सल्हसम फरमाते हैं फिर बनी आदम इख्तियार करता है ही ऑप्स वो ख़ुद सिलेक्शन करता है कि मुझे कौन सी सोच के पीछे चलना है वो जो फरिश्ते की तरफ से आई या वो जो शैतान की तरफ से आई मैंने सिग्नल इसलिए कहा कि अरबी जबान में हदीस के अल्फाज हैं की लम्मा एक सिग्नल फरिश्ते की तरफ से आता है वह इन नल शैतान लम्मा और एक सिग्नल लम्मा अरबी जबान में कहते हैं सिग्नल वाली लाइट्स को जो रोड के ऊपर लगी होती हैं जो आपको बताती हैं रुक जाएं चल पड़े रुक जाएं चल पड़े इस तरह से तो ये ब्रेन वेव्स कह लीजिए थॉट्स कह लीजिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं जब आपका नफ्स शैतान के पीछे चलेगा तो वो और है और जब वो रहमान को फॉलो करेगा तो और है तो ये इसकी मजीद तशरी है कि जन्नात जो हमारे करीन होते हैं साथी होते हैं ये किस तरह से इंसान के ऊपर मुसलसल वार करने के लिए तैयार होते हैं फिर इसी तरह से इनस, जन्नात इंसानों से चिमट जाते हैं ये भी बिल्कुल हकीकत सही है और इस हवाले से इतने तैमिया रमोतल फरमाते हैं आज तक आई माए मुस्लिम में से किसी ने इस बात का इनकार नहीं किया कि जन्त और शयाकिन को बनी आदम के बदन पर कुदरत हासिल है ये उनके बदन में दाखिल होते हैं उनके बदन से चिमट भी जाते हैं और उन्हें अजीयत और तकलीफ पहुँचाते हैं और उनके दिमाग को और उनके एसाबी निज़ाम को कंट्रोल कर लेते हैं किसी के दिमाग में घुस के आंखों से देखना बाकी हर चीज़ नज़र आ रही है लेकिन बुक्स नज़र नहीं आ रही जो पढ़नी है और एग्ज़ाम देना है जिन्नात ये करते हैं और ये ख़ास तौर पर जो ऐसा भी निज़ाम है उसको कंट्रोल करते हैं और दिमाग को कंट्रोल करते हैं क्योंकि यहीं से इंसान डिसीजन मेकिंग करता है कि मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करना तो इस पर तमाम हमारे जो हैं उनका इतफ़ाक़ है कि ये बिल्कुल तंग करने के लिए चिमट भी जाते हैं हती के इनकी नज़रें बद भी लगती है इस पे इनशाला तफसील के साथ हम अगले सेशन में सीखेंगे अल्लाह रबुलाज़त से दुआ है कि हमें अपना दीन सीखने की तोफ़ी अता फ़रमाएं इस पे अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाएं और इसको बाकी अपने हल्के अहबाब में फैलाने की भी तोफ़ी कतः फ़रमाएं सुबह नमदिका अशहद व अस्तफ़िर का